ओम शांति। अपनी एक्चुअली भक्ति माना क्या समझो, बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे गाड़ी पुराना होता है तो गैरेज में ले जाता है ताकि उसकी पुर्जा कुछ पुराने हो गए, कुछ सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हम गैरेज में डाल के आते हैं ना। जो साल में एक दो बार पट्टी में हम अपने को गैरेज में ले जाते हैं, कहाँ पट्टी रुकी गैरेज है, कुछ पुर्जा हमारा लूज हो जाता है, चलते चलते धारणाओं की कमजोरी होती, चलते चलते विकार ज्यादा बढ़ जाता है। और जो चाहते हैं धारणा करने का वो गाड़ी बैक गैरेज बैक गियर लग जाता है। फिर वो जो पड़ता है, जैसे आपको मालूम होगा हवाई जहाज में चलते हैं ना, वो कितना फास्ट जाता है, एक घंटे में 800 से लेकर 1200 किलोमीटर चल जाता है, क्योंकि उसका जो तेल है बहुत रिफाइंड है, इतना रिफाइंड करके डालते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो जितना हमारा बुद्धि का रिफाइंड होगा अंदर का, उतना ही हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। अब हम क्या इतना रिफाइन, एक रिफाइन हमारा बुद्धि का, उतना ही आपके सब रिफाइन तेल खाएंगे तो नुकसान होगा, रिफाइन तेल के लिए मना करता, क्योंकि विकारों का भी रिफाइन नुकसान करता मनुष्य। तो हमें किस चीज से रिफाइन करना चाहिए, जो आत्मा में खजाना है, दैवी गुण है, श्रेष्ठ संस्कार है, श्रेष्ठ चरित्र है ना, उसकी रिफाइन करते 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 हम मनुष्य से देवता हो। तो इसलिए आप सबको गैरेज में बुलाया गया है, कहाँ बुलाया गया है, गैरेज में। तो आपका मैकेनिकल कौन है, कौन है, सबसे पहले शिव बाबा है, उन्होंने छोटे 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 मैकेनिकल को तैयार कर दिया। कहते हैं ना माँ हर जगह हो नहीं सकती है, इसलिए परमात्मा ने हर जगह माँ को बना दिया। ये सारी जो हमारे सीनियर दीदियाँ भाई लोग तपस्वी लोग पूरी संसार में फैले हुए 160 देशों में, ये सब परमात्मा ने इनको इक्विपमेंट्स दे दिया कि जाओ सबके गाड़ी को ठीक कर। और किसी का गाड़ी बहुत खराब होता है, जल्दी ठीक नहीं होता, किसी के एक ही बार गैरेज में गया ठीक हो गया। तो हम लोग कौन है कि जिंदगी भर गैरेज में आने वाले हैं, एक ही दो बार ठीक हो जाएंगे जी, एक ही बार में ठीक हो जाएंगे नहीं होंगे। अगर आप एक दो बार में ठीक हो जाएंगे ना, बाबा आपको प्यार का शक्ति का गुणों का बारिश करता है। अगर हम बार बार गैरेज में आते रहेंगे तो मैकेनिक जो होता है थक जाएगा, वो कहेगा उस गाड़ी को वहां खड़े कर। हर एक गैरेज में कुछ गाड़ियां खड़ी रहती मालूम है आपको, क्योंकि उसका रिपेयर करने को वश का नहीं होता। इसीलिए हम अच्छा सपने को रिपेयरिंग करके पट्टी का लाभ लेके यहाँ से जाना है। और आप सब पहुँचे हुए हैं, वर्तमान डे होने के बाद भी छुट्टी लेकर के हमारे माताएं पहले भी बिजी रहते हैं, इसलिए मैं भाई जी को माइक देना चाहूँगा। उससे पहले आप अपने आप के लिए जोरदार से तालियां। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको कहना चाहता हूँ। एक बार बाबा ने ये मामा माँ के बोला बच्चे, जब तुम मेरे याद में भोजन नहीं खाते हो ना, वो भोजन तुम नहीं खाते हो, वो माया खाते हो। जब तुम बच्चे मेरी याद से भोजन खाते नहीं, वो तुम नहीं खाते हो, कौन खाते हैं। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को 80% योग का शक्ति मिलता है योग युक्त भोजन से। इसलिए भी आपको इसको बहुत
इस पर अटेंशन रख करके धारणा करता।